हेलो दोस्तों, ये जो अपने नेक्स्ट वीडियो है, इस वीडियो में क्या करना है, सबसे मेन मेन इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है अपने इस पूरे चैप्टर का, पहले चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है। और इस क्वेश्चन को इस पर हम समझेंगे क्या है। इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो किन किन तरीक़ों से इसको पूछा जा सकता है पहले वो, उसके बाद फिर ये इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है। तो पहले तरीके देखते हैं कैसे कैसे पूछा जा सकता है। देखो, ऐसा पूछा जा सकता है। पहला पहला टाइप, शीत युद्ध किसे कहते हैं। सिंपल है ये तो, शीत युद्ध किसे कहते हैं कॉमा, मतलब वो क्वेश्चन में शीत युद्ध के उदय होने के कारण बताओ। शीत युद्ध किसे कहते हैं और शीत युद्ध के उदय होने के कारण बताओ। नेक्स्ट, इसी को कैसे पूछ सकते हैं घुमाकर। दोनों महाशक्तियों के बीच हथियारों की होड़ के कारण बताओ। देखो बात वही है, बस इसको थोड़ा सा घुमा के बता रहा है। फिर नेक्स्ट टाइप देखते हो, और ज़्यादा घुमा के, किन कारणों से शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों के बीच संघर्ष शुरू हुआ। किन कारणों से शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों के बीच संघर्ष शुरू हुआ। इसी क्वेश्चन को तीन टाइप से कर सकते हैं और इसको और भी घुमा सकते हैं, ठीक है। बस पहले ना क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन समझ लिए मतलब सब कुछ हो गया। क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया मतलब गया काम से, कुछ नहीं, ठीक है। कुछ बंदे क्या कहते हैं, जैसे एग्जाम में क्या, और इन्होंने ये याद कर रखा है और कहेंगे कि अरे ये क्वेश्चन तो मुझे आता है लेकिन ये क्वेश्चन कौन सा है मुझे नहीं पता है इसके बारे में, ठीक है। तो वो बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जाम में वैसे छोड़ के आ जाते हैं। तो वैसा नहीं करना, क्वेश्चन का टाइप भी देख लेते हैं कैसे कैसे आ सकते क्वेश्चन और क्या क्वेश्चन होते हैं और इसका आंसर क्या है, ठीक है। चलो अब इसका हम आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे आंसर, ये आंसर, फिर ये पहले जो शीत युद्ध है वो क्या है उसको डिफाइन करेंगे। शीत युद्ध होता क्या है, ठीक है। शीत युद्ध क्या होता है उसको डिफाइन कर रखा है, मतलब एक्सप्लेन कर रखा है, मतलब बता रखा है। शीत युद्ध, एरो दे दिया आप, कह रहा है शीत युद्ध एक ऐसी अवस्था का नाम है, मतलब एक अवस्था है, ठीक है, एक वातावरण टाइप का। शीत युद्ध एक ऐसी अवस्था है का नाम है जिसमें दो या दो से अधिक देशों के बीच तनावपूर्ण तथा उत्तेजित वातावरण हो लेकिन उनके बीच कोई वास्तविक युद्ध ना हो, ना हुआ हो, ना हो कुछ भी। ऐसा वातावरण यूएसए और यूएसएसआर के बीच 1945 से 1991 तक रहा। एक्चुअली क्या हुआ था, देखो दो बंदे जैसे क्लास में हैं, दोनों में आपस में पढ़ते नहीं हैं। अब क्या करते हैं, जैसे कुछ हुआ दूसरे का, कुछ गलत करना हो वो बोलते हैं हाँ ऐसा करो, और दूसरा क्या नहीं ऐसा करो। दोनों बंदे एक दूसरे से कोई डायरेक्ट जाके फाइट नहीं करते, वैसे ही एक दूसरे की जितना नुकसान हो सके उतना नुकसान करवाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही इन दोनों के बीच में हुआ था, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। दोनों जाकर डायरेक्ट जाकर लात घुसा नहीं मार रहे, लड़ाई नहीं कर रहे, ये बस लेकिन नुकसान करवाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों एक दूसरे का। और यही जो एक दूसरे का नुकसान करवाने की जो कोशिश है ना, वही क्या है अपना शीत युद्ध है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब जो बच गया आधा पोर्शन, आधा ये तो बस थोड़ा सा हमने स्थिति और डिफाइन किया, अब जो इसके पोर्शन बच गए हैं वो हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है, पॉइंट वाइज। और ये लिखोगे पूरे बटे में से बटे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं, देखो शीत युद्ध के उदय होने के कारण, इसकी जगह ये भी हो सकता है हथियारों के होड़ के कारण, ठीक है, या फिर जैसा क्वेश्चन में हो उस हिसाब से इसको चेंज किया जा सकता है, ठीक है, इसलिए इसको ऊपर ही लिख दिया है। उसके आदि जो इसके पॉइंट्स हैं वो नीचे हैं, कैसा है, पॉइंट नंबर वन डाल दिया, और जो इसका मेन मेड हैंडल गए इसमें से विश्व का दो गुटों में बट जाना वो इधर लिख दिया, ठीक है। लिखने के बाद एरो सेम वही अपना पुराना फॉर्मेट। फिर क्या करना है, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ मित्र थे, ठीक है, लेकिन परमाणु तकनीक के कारण दोनों महाशक्तियों के बीच विवादपूर्ण संबंध हो गए। देखो ये परमाणु तकनीक तो है ही है, साथ में एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी थे, मतलब जो विचार है ना दोनों के अलग अलग थे, ठीक है। अमेरिका क्या कहता था कि जो लोग उनको फ्री कर दो और जितना जो भी संसाधन है उद्योग वगैरह है उन सब पे अपना अपना प्राइवेटाइजेशन कर दो, लोग अपना अपना करेंगे, अपना अपना खाएंगे पियेंगे मौज मारेंगे, ठीक है। जबकि जो यूएसएसआर था वो कहता था नहीं, अपना अपना करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें हमारे अंदर होंगी और किसको क्या चाहिए वो हम देंगे, खाना रोटी कपड़ा मकान वगैरह जो भी हो वो हम देंगे, उनको कमाने की जरूरत नहीं, ठीक है। हालांकि उनसे काम करवाया जाएगा वो अलग बात है, लेकिन ये इनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, ठीक
ये सबको, जो USSR था वो कह रहा सबको बराबर हक देने के कह रहा था, सब बराबर बराबर सबको, वो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है सामानों का वो सरकार करेगी और अपने हिसाब से करेगी, ठीक है, ना कि ये US से कहता था नहीं ऐसा नहीं, जो कर सकता है वो करे, जो ना कर सकता मरे, ये US से, ठीक है, और USSR नहीं, हम मरने नहीं देंगे, हम तुम्हें खिला के ज़िंदा रहेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस हैं, आइडियोलॉजिकल यानी वैचारिक भी डिफरेंसेस, तो ये परमाणु वाले पे तकनीक पे भी विवाद हो गया था, ठीक है। लेकिन परमाणु तकनीक के कारण दोनों महाशक्तियों के बीच विवादपूर्ण संबंध हो गए। देखो अभी ये पहले दोस्त थे दूसरे विश्व युद्ध में, ठीक है, लेकिन बाद में युद्ध खत्म हुआ दोनों दुश्मन बन गए, ठीक है। मतलब इसमें कुछ डिसाइड नहीं होता कि ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा, कोई भी चीज़ कभी भी पलट सकती है, चेंज हो सकती है। जैसे पहले इंडिया है, इंडिया पहले USSR की तरफ ज़्यादा झुका हुआ था, ठीक है, जैसे अब USSR जैसे कोई चीज़ नहीं है, अब है रशिया, ठीक है, की तरफ ज़्यादा झुका हुआ था और अमेरिका से थोड़ी दूरी ही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब अमेरिका मतलब अब इंडिया अमेरिका की तरफ झुक रहा है, तो मतलब ये सब चीज़ें चेंज होती रहती हैं, ठीक है, अपने आप को अपडेट करना चाहिए। हाँ, विवादपूर्ण संबंध हो गए जिसके कारण पूरा विश्व दो गुटों में बन गया, बट गया। देखो USA पावरफुल है, USSR पावरफुल है, USSR ने कहा भाई तू भी मेरी साइड आ जा, USA ने कहा तू भी मेरी साइड आ जा, दोनों ने अपनी पावर बढ़ाई, दूसरे छोटे छोटे दोस्तों को अपने साथ किया, ठीक है, और जो ये होड़ रस्सी लग गई थी कि अपने साइड करने की दोस्त देशों को, तो इससे जो पूरा विश्व था दो गुट में बट गया। लेकिन अभी आएगा एक नेम, NAM, नॉन अलाइन मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन आएगा बीच में, उसको बाद में देखेंगे, अभी हम यहाँ पे सिर्फ ये अमेरिका और USSR पर फोकस कर रहे हैं। दो गुट में बट गया, ठीक है, कहाँ गया, दो गुट में बट गया, एक अमेरिकी गुट और दूसरा सोवियत गुट, बता दिया, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी थे, सीधी से बात है, दो गुटे और अलग अलग आइडियोलॉजी पे बने हैं तो विरोधी तो होंगे, ठीक है, ये एक पॉइंट है। मास्टर देखो जो टीचर होगा एग्जामिनर वो सीधा ये देखेगा, ये कोई नहीं पढ़ता, सीधा ये देखेगा, एक मार्क्स देगा और आगे चलेगा, ठीक है, इसलिए इसको हाईलाइट में लिखना जरूरी होता है, सबसे अलग, देखो सबसे अलग, इधर से भी गैप है, इधर से भी गैप है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे, इसमें भी सेम है, आसपास से गैप है, डायरेक्ट यहाँ पर नजर जाएगी, ट्रू मैंस सिद्धांत, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रू मैंस या प्रस्ताव वगैरह जो भी कह रहा हूँ, ट्रू मैंस का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, देखो 1947 में अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन, देखो ये राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट, हाँ, उसके नाम पे ये है सिद्धांत का नाम, ठीक है, हैरी ट्रूमैन ये नाम है इंसान का, प्रेसिडेंट का, हैरी ट्रूमैन ने साम्यवाद के प्रभाव को रोकने के लिए, मतलब ये जो साम्यवाद है ना इगैलिटेरियन, ये सोसाइटी बढ़ती जा रही थी, मतलब ये अपने USSR तो पहले ही 15 था, 15 देशों से मिलकर बना, उसके साथ और भी देशों को अपने साथ कर रहा था, तो ये इसका प्रभाव बढ़ रहा था, तो इसको प्रभाव को, USSR के प्रभाव को यानी दूसरे तौर पे कम करने के लिए एक ये अपना प्रिंसिपल लेके आता है, ठीक है। देखो रोकने के लिए एक सिद्धांत की घोषणा की जिसे ट्रू मैन सिद्धांत कहते हैं, ठीक है, इस सिद्धांत का उद्देश्य छोटे देशों को साम्यवाद के प्रभाव से बचाना था। साम्यवाद पता ही है ना, वही सोशलिस्ट टाइप का जिसमें सरकार नियंत्रण नियंत्रण करती है और सरकार ही देख रेख करती है, और एक पूंजीपति होता है जिसमें सरकार ज़्यादा कुछ नहीं करती, बाकी प्राइवेट फर्म्स वगैरह काम करते हैं, ठीक है। तो ये दो पॉइंट क्लियर है, अभी ये क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीधा 6 नंबर का आता है, तो थोड़ा बड़ा है, धीरज रखो, धीरज, पेशेंस। अपने 2 पॉइंट हो गए, अब ये अपने पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं। ये क्या कह रहा है, देखो मार्शल योजना, ठीक है, देखो ये मार्शल योजना है, ये मार्शल लॉ एक बार इंडिया में लगा था, उससे कन्फ्यूज मत करना, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, मार्शल लॉ अलग है और ये मार्शल योजना है, ठीक है, इस पे देखते हैं क्या होता है। 1948 में USA के विदेश मंत्री जॉर्ज मार्शल, देखो अभी इससे जो पहले था ट्रूमैन्स वो प्रेसिडेंट था, अभी ये जो मार्शल है ये कौन है, जॉर्ज मार्शल ये विदेश मंत्री है, ठीक है। तो ये क्या करता है, 1948 में USA के विदेश मंत्री जॉर्ज मार्शल ने दूसरे विश्व युद्ध में प्रभावित पश्चिमी यूरोपीय देशों की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मार्शल योजना बनाई, ठीक है, जिसका या USSR द्वारा इस योजना का विरोध किया गया, ठीक है। अब देखो क्या होता है, यूरोप है, यूरोप, ठीक है, यूरोप का मैप देखना, उसमें से जो डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, पश्चिमी यूरोप इस साइड का,
ठीक है, और पूर्वी यूरोप, पश्चिम पूर्वी, आई मीन कौन सा है यार इधर, पश्चिमी यूरोप, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट, हाँ सही है, फिर ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जो वेस्टर्न साइड के जो यूरोप था वो किस साइड चला गया, इधर अमेरिका का साइड, और जो ईस्टर्न साइड था वो किस तरह चला जाता है, यूएसएसआर के साइड, ठीक है। तो यही इधर से पश्चिमी यूरोपीय देशों की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मार्शल योजना बनाई, जिसका यूएसएसआर ने विरोध किया, ठीक। ये अपना थर्ड पॉइंट है। नेक्स्ट, जब कोई कोई योजना बना रहा है, यूएसए को योजना बना रहा है किसी चीज़ को सुधारने के लिए, और उधर यूएसएसआर कह रहा नहीं भाई तुम गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं, वो फलाना ढिमकाना, तो भाई और लड़ाई तगड़ी होगी। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही थी, ये यूएसए कुछ भी कर रहा उसका यूएसएसआर विरोध कर रहा है, यूएसएसआर कुछ भी कर रहा उसका यूएसए विरोध कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा ही चल रहा है। अब देखो पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। मैंने ये वैसे इसका तो थोड़ा पहले एक्सप्लेन कर दिया है, विचारात्मक मतभेद, मतभेद, ठीक है, जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस इन दोनों के बीच थी उसी को एक्सप्लेन किया। देखो ये साम्यवाद पूंजीवाद क्या होता है ये सब पहले पढ़ लिया 11th क्लास में ना, उसमें ये सब बता रखा है अच्छे से, तो इसको एक्सप्लेन करके क्या होता है वगैरह टाइम बर्बाद करने कोई फ़ायदा नहीं है। बस इतना समझ लो साम्यवाद मतलब सरकार नियंत्रण में रखती है सब कुछ, सारा कुछ, कोई भूखा मर रहा है उसको सरकार खाना देगी, ठीक है। और पूंजीवाद में ऐसा नहीं होता, भूखे मर जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, कमाओ और खाओ, मतलब ये बड़ा बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, विचारधारात्मक मतभेद, दोनों महाशक्तियों के बीच विचारधारा को लेकर भी मतभेद था। अमेरिका चाहता था कि पूरा विश्व पूंजीवाद को अपनाए, और साम्यवाद का विरोध करते हुए कहता कि वहाँ व्यक्तियों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, इसलिए व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास नहीं हो सकता। देखो क्या कह रहा है अमेरिका, क्या कह रहा है कि जो चाहता है कि पूरा विश्व कैपिटलिस्ट बन जाए, ठीक है, कैपिटलिस्ट की ओर बढ़े, और जो सोशलिस्ट थे यानी साम्यवाद यानी यूएसएसआर का विरोध करते हुए कहता था भाई वहाँ पे सब कुछ तो सरकार देखती है, बंदे को दे ही नहीं रहा कुछ भी करने को, और जब बंदे को कुछ करने के लिए नहीं देगा तो उसका विकास कैसे होगा, बिना कुछ किए किसी का विकास नहीं होता, ठीक है। ऐसा है जैसे तुम्हारा होमवर्क कोई और कर दे तो फ़ायदा किसका, उसका जिसने किया है, देख काम किसका, और उससे फ़र्क नहीं पड़ता, काम कौन करता है उससे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो वही चीज़ अमेरिका कह रहा है कि भाई वहाँ पे तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता ही नहीं है, इंसान जब खुद से कुछ कर ही नहीं सकता तो उसका विकास कैसे होगा। अमेरिका यह कह के पूंजीवाद को मतलब सोशलिस्ट का यानी साम्यवाद का भगा रहा, कह रहा है गलत है बेकार है। अब इसकी दूसरी अपोजिट साइड यूएसएसआर क्या कह रहा है वो देखो, दूसरी तरफ यूएसएसआर चाहता था कि पूरा विश्व साम्यवाद को अपनाए, और पूंजीवाद का विरोध करते हुए कहता था कि वहाँ अमीरों द्वारा या अमीरों के हाथों गरीबों का शोषण होता है, क्या, जबकि यूएसएसआर क्या कहता है नहीं तुम गलत कह रहे हो, ऐसा नहीं होता, हम सबको यहाँ पे बराबर का हक देते हैं और सबका ख्याल रखते हैं, जबकि तुम्हारे यहाँ यानी पूंजीवाद के यहाँ क्या हो रहा है कि भाई कुछ लोग अमीर हैं, जैसे अपने इंडिया में देखो अंबानी है बहुत ज़्यादा अमीर, दूसरे तरफ मैं, खैर खैर वो अलग बात है, यहाँ पे देखते फोकस करते हैं। यूएसएसआर कह रहा है भाई तुम्हारे यहाँ एक तो बहुत बड़े बड़े आदमी हैं, किसी के पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है, किसी के पास पैसा ही नहीं है, ये इतनी जो इनइक्वालिटी है ये क्यों है, यहाँ पे वही जो अमीर इंसान है वो और अमीर हो रहा है, और उसी गरीब इंसान से काम करवाता है, फिर उसी को कम पैसा देता है, और उसके काम से वो खुद अमीर बना हुआ है, मतलब जो अमीर इंसान है वो गरीब का क्या कह रहा है शोषण कर रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा काम ले रहा है। तो इसी चीज़ का ये कह रहा है कि कैपिटलिस्ट में यानी पूंजीवाद में ऐसा होता है और तुम्हारे यहाँ भी ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका विरोध कर रहा है, कौन, सोशलिस्ट यूएसएसआर पूंजीवाद का विरोध कर रहा है। दोनों अपनी जगह सही ही हैं, ठीक है, देखो दोनों में अपनी अपनी अच्छाइयाँ हैं तो अपनी अपनी खराबी है, इसीलिए इंडिया इंडिया जब इंडिपेंडेंस हुआ, इंडिपेंडेंट को प्राप्त किया मतलब स्वतंत्र हुआ, तब उसने क्या किया, कहा कि नहीं भाई हम ना ही पूंजीपति की ओर यानी पूंजीवाद की ओर जा रहे हैं, और ना ही हम ये सोशलिस्ट की ओर जा रहे हैं, ठीक है, यानी साम्यवाद की जा रहे हैं, हम ना इधर जा रहे हैं ना उधर जा रहे हैं, हम बीच में खड़े हैं, जो चीज़ें पूंजीवाद में अच्छी है हमने उसको भी ले ली, और जो चीज़ें साम्यवाद की अच्छी है हमने उसको भी ले ली, मतलब अच्छाई दोनों की ले ली। लेकिन शुरुआती दौर में जो इंडिया था यूएसएसआर की तरफ ज़्यादा झुका हुआ था, यानी ज़्यादा चीज़ें हमने यूएसएसआर की तरफ से ली थी शुरुआती चीज़ों में, अब तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। खैर ये दो पॉइंट समझ में आ गया, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नीचे का लास्ट का लाइन क्लियर है ना, सही से दिखना, देखो दिख गया। अब
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं और उस पर फोकस करते हैं, फिर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या है अपना नेक्स्ट पॉइंट, क्या है हथियारों की होड़, दिख रहा है ना सबसे सही से दिख, हथियारों की होड़, ये देखो हथियारों की होड़। हथियारों की होड़ में क्या होता है, देखो इसको पढ़ के बाद पहले देखते हैं। शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों को एक दूसरे से युद्ध का खतरा हमेशा रहता था या बना रहता था, जिसके कारण दोनों महाशक्तियों के बीच हथियारों की होड़ शुरू हो गई और दोनों ही महाशक्तियों ने एक से बढ़ के एक हथियार बनाए। देखो इसमें क्या होता है, जैसे दो बंदे हैं, दोनों के बीच में लड़ाई होनी होनी है, तो बंदा चाहेगा कि भाई मेरे पास ज़्यादा हथियार हो, जैसे उससे पास अच्छी गन हो ताकि अच्छे से मार सके, हैं दूर से मार सके, जैसे पबजी में नहीं होता यार, हैं सबने खेला है, तो वही सेम कंडीशन इधर थी। जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा बंदूकें, गोलियाँ, मिसाइल्स, एटमिक बम दोनों आपस में बनाने लग रहे, एकदम पूरा USSR ने तो हद कर दी थी, बहुत ज़्यादा बनाया था। और USSR ने भी, USA ने भी, वो उसके बाद क्या वो बनाने का है, वो बाद का मैटर है। अभी यहाँ पे ये देखो बस हथियारों की होड़ शुरू हो गई, दोनों ने बहुत एक से बढ़ के एक हथियार बनाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपना और फाइनल पॉइंट, अमेरिका और ब्रिटेन को साम्यवाद का डर। अब देखो क्या हुआ कि 1917 में रूस में एक रूसी क्रांति हुई थी, ठीक है, जिसे साम्यवादी क्रांति भी कहते हैं। उस क्रांति में ये हुआ कि समाजवाद को बहुत हाई लेवल पे उठाया गया, पूरे विश्व ने देखा कि साम्यवाद क्या कर सकता है और क्या नहीं, ठीक है, बहुत बहुत बड़ी पावर उसमें अपने आप में बन गई थी साम्यवाद। तो इसी से, और ये जो ब्रिटेन वगैरह थे, ये तो ट्रेडिंग अपने यहाँ इंडिया में कैसे आए थे, ट्रेड करने आए, ट्रेड करते करते कब्जा ही कर लिया, गुलाम बना दिया इंडियन को, तो वही। तो इधर अमेरिका और ब्रिटेन को क्या है, साम्यवाद का डर हुआ, ठीक है, साम्यवाद या समाजवाद। तो इसको कैसे लिखना है वो देखो, 1917 में रूसी क्रांति के बाद रूस में साम्यवाद की सरकार बनी। देखो 17 में क्या हुआ, रूसी क्रांति के बाद रूस में किसकी सरकार बनी, साम्यवाद की या समाजवाद की सरकार बनी, ठीक है। इसके बाद भारत में भी एक समाजवादी पार्टी है, खैर इधर देखो हम अभी भारत पे नहीं पहुंच रहे, अभी यहाँ पे चल रहे हैं। इसके बाद कई देशों में जैसे पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, देखो ये चेकोस्लोवाकिया ना, ये पहले था देश, अब नहीं है, चेकोस्लोवाकिया जैसा कोई देश नहीं है, अब है चेक एक अलग देश है और स्लोवाकिया एक अलग देश है, दोनों टूट गए, ठीक है। चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, यूक्रेन, यहाँ पे कॉमन है, बुल्गारिया, यूक्रेन आदि में साम्यवाद की सरकार बनी, जिससे देखो अब पहले रूस में बनी, अब इधर भी बन रही है, इतने सारे देशों में बन गई, और ये सब यूरोप में है। हाँ तो इससे और खतरा हो गया भाई, यूरोप में तो ये भी है और ये भी, मतलब अमेरिका तो अलग है लेकिन ब्रिटेन तो इधर ही है, खतरा हुआ। तो अब देखो क्या करेंगे, इसके जवाब में साम्यवाद की सरकार बनी, जिससे अमेरिका और ब्रिटेन को पूंजीवाद के लिए खतरा उत्पन्न हुआ, इसलिए USA और ब्रिटेन ऐसे कार्य करने लगे, यानी ऐसे काम करने लगे जिससे समाजवाद को नुकसान हो। अब ये समाजवाद को नुकसान पहुंचाने लगे तो अब समाजवाद चुप तो रहेगा नहीं है, तो इसने भी बैक इसको भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, और दोनों एक दूसरे को नुकसान ही पहुंचा रहे थे। यही जो कंडीशन थी, सिचुएशन, वातावरण, माहौल, इसी को क्या कहते हैं, शीत युद्ध। तो ये अपना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस चैप्टर का, ठीक है, जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। इसमें बस करना क्या है, सेम टू सेम याद करना है और लिख देना एग्ज़ाम में। 6 पॉइंट लिखे, 6 का 6 नंबर मिल जाएंगे, और 5 नंबर का है, 5 5 पॉइंट लिख दो, 2 नंबर का है तो 2 पॉइंट, 2 नंबर में नहीं देंगे, हाँ 2 पॉइंट लिख दो, ठीक है, जितने पॉइंट का है, जितने नंबर का उतने पॉइंट लिखो, बस क्लियर है। और यस, काफ़ी मेहनत लगी है इसमें, और वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बन रही है, इसको इसलिए यहाँ पे रोकता हूँ, और शेयर करो दोस्तों में, हाँ जब तक के लिए नई वीडियो आती है नए क्वेश्चन के साथ। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।